हाय डियर फ्रेंड, बायोलॉजी का ये 11th नंबर का वीडियो है और इसके पहले 10th वीडियो कंप्लीटेड हो गए हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई के जनरल साइंस के जो बायोलॉजी का पार्ट है, लाइफ साइंस का पार्ट है, उसका ये 11th नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका ऑप्शन दिया है, देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज। सेकंड ऑप्शन सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर। सी दिया है लीवर एंड पैनक्रियाज, एंड डी दिया है सैलिवरी ग्लैंड लीवर एंड पैनक्रियाज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सेल्वरी ग्लैंड्स लीवर पैनक्रियाज। ठीक है, ये दोनों एसोसिएटेड हैं। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड, ये सारे ग्लैंड क्या हैं, एसोसिएटेड हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो याद रखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड हैं। तो सेल्वरी ग्लैंड लीवर एंड पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है डाइजेशन, इंजेस्टेशन, असिमिलेशन, एजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। देखिए इसमें इसी यही प्रोसेस के नेम हैं। ठीक है, बट इनको एक करेक्ट सीक्वेशन देना है। ठीक है, तो उनका करेक्ट सीक्वेशन जो होगा, ठीक है, वो करेक्ट सीक्वेशन जो है वो है बी ऑप्शन। देखिए इंजेस्टेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर बाद में इगेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट में इगेशन होता है। तो पहले इंजेशन होता है, फिर सिक्वेंस डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। ठीक है, स्टेप करेक्ट सिक्वेंस है। तो याद रखना है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेगिंस। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेगिंस, तो प्रोटीन के लिए रिलेटेड जो बात हो रही है उसके ऑप्शन दिए हैं पैनक्रियाज, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शन है। तो इसमें दिया दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। इट किल्स बैक्टीरिया विच मे एंटर इन स्टोमक विथ फूड। स्टोमक विथ फूड मतलब स्टोमक में फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको किल करने के लिए किया जाता है। इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। तो इनमें से ऑप्शन में दिया हुआ है कि या तो पहला है, या तो दूसरा है, या तो या दोनों है, या तो दोनों नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दोनों है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन है वो पहले तो इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, और दूसरा इट किल्स बैक्टीरिया विच मे एंटर इन स्टोमक विद फूड। ठीक है, फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं स्टोमक में उसको किल करने के लिए, और पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्टोमक, इनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन किसमें होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर।
बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन में दिया, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट ब्रेक्स डाउन द फूड, नन ऑफ द एवो। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। ठीक है, बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर का फंक्शन जो है वो इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, तो हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, उसका नाम दिया है, डेंटिन, पल्प, इनेमल, नन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इनेमल, इनेमल। ठीक है, तो इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट्स एब्जॉर्ब, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब। तो पहला ऑप्शन दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन, तीसरा स्टोमक, चौथा लीवर। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है लीवर में, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, उसको क्या बोला जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म में होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन दिया पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन बोले चाहे ग्लाइकोगेन बोले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 11th नंबर का वीडियो कंप्लीट किया। उसके बाद से हम 10th नंबर का वीडियो देखेंगे। इसी तरह से हम जनरल साइंस के और भी बहुत सारे जो RRB JEE से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। तो आप रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए ताकि आपका ये जो सब्जेक्ट है RRB JEE जो स्टेज 1 के लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपको मिल सके। तो रेगुलर बेसिस पे देखिए, देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।